हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार जीव विज्ञान की नई वीडियो के साथ कक्षा 10 के लिए। हमने जो पिछली बार आपको बताया था कुछ इसके बारे में सामान्य परिचय दिया था इस चैप्टर का। चैप्टर का नाम था हमारा अनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आज इसके बारे में मेंडल के नियम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और एक नियम पूरी पूरी उम्मीद है कि एक नियम आपको यहाँ जरूर मिलेगा, और जो इसका तीसरा नियम है, जो स्वतंत्र परिवहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, उम्मीद है कि वही नियम अधिकतर एग्जामिनर देता है एग्जाम में, लेकिन पता कुछ नहीं क्या दे दे तो संभावना व्यक्त करी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल कौन थे। देखिए, मेंडल थे अनुवंशिकता के जनक। देखिए, अनुवंशिकता क्या होती है, यानी कि जब जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं, यानी कि जो लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुवंशिकता। तो जो ग्रेगर जीवन मेंडल थे, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन भूविकल्पीय निकलता है यहाँ से कि जो अनुवंशिकता के जनक थे कौन थे। कभी कभी वो एग्जाम में देता है कि उसके नाम जो जी जे मेंडल, कभी क्या दे देता हो, जी जे मेंडल, यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल। अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मेंडल वर्ड देखना है केवल, चाहे वो जी जे मेंडल हो, चाहे वो ग्रेगर जोहन मेंडल हो, चाहे कुछ भी हो, मेंडल वर्ड है तो आपको उसी पे क्या करना है, टिक करना है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकलता है बहुत ज़्यादा, पेपर में कई बार आ चुका है। तो जो मेंडल थे, ये एक चर्च में पादरी थे, इनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया था, इन्हें बागवानी की शिक्षा दी थी, यानी पेड़ पौधों की शिक्षा दी थी, इनके पिताजी को उसका शौक था। तो जब ये एक ऑस्ट्रिया देश है ऑस्ट्रिया, तो वहाँ एक चर्च में पादरी थे, तो पादरी होने के साथ साथ जो चर्च था वहाँ पर उसके सामने एक खुला मैदान था, और खुले मैदान होने की वजह से इनके दिमाग में विचार आया, कहने क्यों ना जो मेरे पास, जो मेरे पिताजी ने मुझे एक शिक्षा दी है बागवानी की, उसका सदुपयोग किया जाए। तो इसने क्या किया, वहाँ पर जो चर्च के सामने जगह थी वहाँ पर इसने क्या किया कि मटर के कुछ पौधे लगाए, यानी कि मटर का बीज बोया। कौन सी मटर, क्वेश्चन ये भी निकलता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे कौन सी मटर के ऊपर किए थे, तो उसका आपको क्या लिखना है, उद्यान मटर। कौन सी मटर, उद्यान मटर, यानी कि इसका नाम है पाइसम सटाइवम। अगर आपको इसका बोटनिकल नेम पूछे, इसका नाम है पाइसम सटाइवम। तो जो उसने मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो उद्यान मटर के ऊपर किया था, और इसका जो बोटनिकल नेम है, इसका जो वनस्पति का नेम है, वो है पाइसम सटाइवम। तो इसने जब उसके ऊपर इसने क्या किया, जब मटर के बीज बोए तो इसने देखा कि कुछ पौधे लंबे, कुछ पौधे मीडियम आकार के, और कुछ पौधे जो है छोटे हुए। उसने सोचा, कहने लगा, बीज तो बोया मैंने एक जैसा, लेकिन पौधे अलग अलग प्रकार के कैसे हुए। तो उसके लिए इसने क्या किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और फिर इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ इसने इसमें इनके आधार पर जो इसके निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए, उन नियम को क्या बोलते हैं, मेंडल के नियम। तो जो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो तीन प्रकार के नियम दिए थे। तो सबसे पहला जो इसमें नियम है वो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला जो नियम दिया था वो है हमारा प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में क्या बताया मेंडल ने, प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया कि कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव का जो लक्षण होता है वो एक इकाई के रूप में होता है, यानी कि जीव का जो प्रत्येक लक्षण, चाहे वो कुछ भी लक्षण हो, चाहे वो लंबाई का हो, चाहे वो आकार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो जीव का जो प्रत्येक लक्षण है वो एक इकाई के रूप में होता है, और एक इकाई दो कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। उनमें से एक तो प्रभावित होता है, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो जो प्रभावी होता है उसी के आधार पर इसका नाम क्या दिया इन्होंने, प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बोने पौधों के साथ इसे जो शुद्ध लंबे थे उन्हें कैपिटल टीटी माना, और जो शुद्ध बोने थे उन्हें स्मॉल टीटी माना, यानी कि जो मेंडल था उसने जो लंबे लक्षण के लिए जो प्रभावी लक्षण लिया वो कैपिटल टी माना, और जो हमारा जो बोने था उसके लिए क्या माना, स्मॉल टी। तो उसने क्या किया, इसमें आपस में इसने संकरण को हम चाहे आप एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें अगर आपने क्रॉस लगा दिया, एक्स लगा दिया, तो भी क्या माना जाएगा, संकरण माना जाएगा। तो इसने जो हमारे ये लक्षण है ये प्रभावी लक्षण है, हमारा जो कैपिटल टी है, और जो हमारा स्मॉल टी है ये है अप्रभावी लक्षण। तो जो पौधे का जो अगली जो इनकी संतान होगी, जो संतति होगी, उसका जो नामकरण होगा वो प्रभावी लक्षण के आधार पर ही होगा। तो इसने क्या किया, जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बोने पौधों के साथ संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे देखते हैं। तो कैपिटल टी को उन्होंने स्मॉल टी से मिला दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक कैपिटल एक स्मॉल क्या बन गया,
एक कैपिटल और एक स्मॉल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इसी पहले पौधे को ही इन्होंने दूसरे के साथ मिलाया, यहाँ भी क्या निकला, एक कैपिटल और एक स्मॉल। फिर इसने दूसरे वाले का जो संकरण है पहले वाले के साथ कराया, एक कैपिटल एक स्मॉल, और फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ यहाँ भी क्या निकला, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हुई, ये हमारी प्रथम पीढ़ी, इसे बोलते हैं प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन। आप इस शॉर्ट में F1 जनरेशन भी लिख सकते हैं या प्रथम पीढ़ी भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर लक्षण होंगे दोनों एक जैसे, चाहे वो कैपिटल TT हो या स्मॉल TT हो, तो हम माने जाएंगे शुद्ध। लेकिन अगर दोनों लक्षण अलग अलग प्रकार के हैं तो फिर वो शुद्ध नहीं होंगे, और आप इसे अशुद्ध भी नहीं बोल सकते, बायोग भाषा में इसे अशुद्ध नहीं बोला जाता, इसे बोलते हैं संकर। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी है उसमें सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे, सभी पौधे संकर लंबे होंगे। लंबे क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जो नाम उसका रखा जाएगा, वो जो प्रभावी लक्षण होगा उस प्रभावी लक्षण के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा, और यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा, हमारा कैपिटल T। तो इसीलिए इनका नाम, जो हमारे जो संतति है इनकी, ये हमारे पौधे हैं, इनकी जो संतति है, इनकी संतान है, इनके इसमें जो पौधे जो भी हमें प्राप्त होंगे, सारे सारे कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे प्राप्त होंगे। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण करा, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे में संकर लंबे प्राप्त हुए। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई दिया उसे प्रभावी लक्षण, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ से एक नियम और निकलता है इसका, वो है अप्रभाविता का नियम, वो यहाँ नहीं है। जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में आएगा, उसमें क्या आएगा कि वहाँ एक अप्रभाविता का नियम भी है कि मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण करा, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप गया उसे अप्रभावी लक्षण, और इस नियम को अप्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसी एक नियम से यहां दो नियम निकल जाते हैं, एक प्रभाविता का नियम भी और एक अप्रभाविता का नियम भी। आपके कोर्स में केवल प्रभाविता का नियम है तो आपको केवल प्रभाविता का नियम ही पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है इसका पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, जब हमारा ये जब हमने प्रभाविता का आपको नियम बताया है, इसमें जब पहली टेबल बनेगी, हमारी पहली टेबल बनेगी यही जो कि त्यों, जो हमारी हमने टेबल आपको बताई है, इस दूसरे वाले नियम में भी पहली टेबल तो बनेगी सेम एज इट इज। तो इसमें हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब प्रथम इसमें जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण करा, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे। तो जो पौधे में प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए, जो संकर लंबे पौधे प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए, फिर इनका इसने आपस में क्या किया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण करने पर क्या हुआ कि जो लक्षण है वो पृथक हो जाते हैं, इनके लक्षणों का जो पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से हो जाता है। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी इनके जो लक्षण हैं वो क्या होगा, वो आपस में मिश्रित नहीं होता, यानी कि इनके लक्षणों का जो मिश्रण है वो आपस में नहीं होता। और जिस समय युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते समय इनके जो लक्षण हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए इसका क्या, और जो युग्मक हैं उनके जो युग्मकों की जो युग्मक तो अलग अलग हो गए, लेकिन जो उनकी शुद्धता है, युग्मकों की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया उन्होंने, वो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी। इसलिए इसके दो नाम है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोबारा से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी से जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे में कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे प्राप्त हुए। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधों का आपस में स्वपरागण कराया गया, तो इसमें जो लक्षण है उन लक्षणों का जो पृथक्करण है वो एक निश्चित अनुपात में हो जाता है। यानी कि लक्षणों का जो पृथक्करण है वो किस निश्चित अनुपात में, अभी अनुपात समझाऊंगा आपको, एक निश्चित अनुपात में होता है। इसलिए इसे नियम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। प्रथम पीढ़ी में जब लक्षण साथ साथ हैं, प्रथम पीढ़ी के साथ साथ होने पर भी जो लक्षण है वो आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी कि युग्मक का जिस समय निर्माण होता है, युग्मक जिस समय बनते हैं, तो वो युग्मक जो हैं, युग्मक में जो लक्षण है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, युग्मकों की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी दे दिया, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसके बारे में पहले टेबल तो युग्म सेम बनानी है आपको, ये वाली
जू की तू, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, ये हमें कैसे प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी, ये कैसे पौधे प्राप्त हुए हमें, संकर लंबे, तो संकर कैसे होंगे जब दोनों लक्षण अलग अलग प्रकार के होंगे, तो इसमें हमने क्या किया, इनमें हमने कराया स्वपरागण, यहां हमने क्या कराया था संकरण, यहां कराया हमने स्वपरागण, तो जब प्रथम पहले को पहले से मिलाया कैपिटल टी टी, उसके बाद जो हमारे दोनों कैपिटल बने तो कैसे बना, कैपिटल कैसे बने थे, शुद्ध लंबे, तो यहां लिखेंगे शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे पौधे। उसके बाद फिर इस पहले वाले को इस दूसरे वाले से मिलाया तो एक कैपिटल एक स्मॉल, तो यहां लिखेंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि एक ऐसा हुआ संकर लंबा, उसके बाद दूसरे वाले को पहले वाले से मिलाया तो एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि संकर लंबा, ये भी कैसा हुआ, ये भी संकर लंबा हुआ, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिलाया, ये कैसा प्राप्त हुआ हमें, शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। तो इस प्रकार हम से इस प्रकार देख सकते हैं कि एक पौधा तो हमें शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, दो पौधे में संकर लंबे प्राप्त हुए, और एक पौधा शुद्ध बोना प्राप्त हुआ। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे कैसे संकर लंबे, और एक पौधा शुद्ध बोना। तो इनमें जो इनका जो अनुपात है वो कैसा हुआ, में एक निश्चित अनुपात आ गया, नहीं, एक पौधा तो संकर लंबा हुआ, एक पौधा शुद्ध बोना हुआ, और दो पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, इनका एक निश्चित अनुपात हमें प्राप्त हो गया, इनके लक्षणों का जो पृथक्करण है वो एक निश्चित अनुपात में हो गया, एक अनुपात दो अनुपात एक अनुपात में हो गया। तो इसे दो तरीके से देखते हैं, एक तो यहाँ तो जीनो, इसे हम देखते हैं जीनोटाइप की दृष्टि से, एक देखते हैं फिनोटाइप की दृष्टि से। अगर हम इसे देखते हैं फिनोटाइप दृष्टि से, तो फिनोटाइप की दृष्टि से कैसे होंगे, ये भी पौधा लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। अगर हम फिनोटाइप की दृष्टि से देखें इसे, तो कैसा होगा, तीन पौधे तो हो गए लंबे, और एक पौधा हुआ हमारा बोना। तो अगर हम फिनोटाइप की दृष्टि से देखें तो बनेगा हमारा 3:1, लेकिन अगर हम इसे जीनोटाइप की दृष्टि से देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे, और एक शुद्ध बोना। तो इस प्रकार से जो इसके लक्षण हैं वो एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। अब बात करेंगे इसके तीसरे नियम की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, तीसरा नियम है इसका, स्वतंत्र अपिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका जो नियम है तीसरा, इसका एक नाम हो रहा है वो है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण का नियम भी बोलते हैं इसे। पिछले बार एग्जाम में एक तो परीक्षा ये हुई इस साल, इससे जो पिछले साल की एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया था कि मेंडल के द्विसंकर संकरण को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करिए। अब जो बच्चे केवल ये ध्यान रखते हैं कि स्वतंत्र अपिवहन का नियम है, वो तो उन्होंने तो क्वेश्चन छोड़ा, लेकिन जिस बच्चे ने पूरा दोनों नाम इसके याद रखे कि यहाँ से क्या कहते हैं, इसे द्विसंकर संकरण भी बोलते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को करके आया, और 7 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक हमने जो इसके दो नियम पढ़े, एक पढ़ा हमने क्या इसका, एक तो पढ़ा प्रभाविता का नियम, और दूसरा पढ़ा हमने क्या इसका, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो उसमें हमने जो लक्षण लिए थे, मान लो हमने शुद्ध लंबा लिया तो उसके लिए एक जोड़ा कैपिटल टी टी लिया, हमने शुद्ध बोना लिया उसके लिए एक जोड़ा स्मॉल टी टी लिया, ये शुद्ध लंबा है हमारा। उसमें हम जो पिछले दो नियम लिए थे उनमें हमने एक से शुद्ध लंबा माना था और इसे शुद्ध बोना माना था, इस जो इस कैपिटल टी है शुद्ध लंबा और ये स्मॉल टी है शुद्ध बोना। लेकिन जो हमारा तीसरा नियम है, यहाँ तो जो पिछले दो नियम लिए प्रभाविता के नियम में भी और पृथक्करण के नियम में भी, वहाँ तो लिए हमने एक एक जोड़ा, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, लेकिन जो स्वतंत्र अपिवहन का नियम है इसमें एक एक जोड़ा ना लेकर के इसमें लिए जाते हैं दो दो जोड़े, इसमें कैसे लिए जाते हैं दो दो जोड़े।
शुद्ध गोल व पीले। शुभ झुर्रीदार व हरे। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने गोल शुरू में लिखा तो यहाँ झुर्रीदार आपको शुरू में ही लिखना पड़ेगा, अगर आपने पीला इधर लिखा तो फिर ये हरा में इधर लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो गोल है, गोल का जो कॉम्बिनेशन है वो झुर्रीदार के साथ और पीले का जो कॉम्बिनेशन है वो हरे के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, दो जोड़े इन्होंने क्या क्या मंडल ने, जब शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधों को शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ इनका आपस में संकरण कराया। क्या कराया इसने आपस में संकरण, तो एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा और एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर आपस में नहीं मिला दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये में कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी ये हमारे अप्रभावी लक्षण है और ये हमारे प्रभावी लक्षण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले यानी कि शुद्ध गोल व पीले बीजों वाले पौधों का शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीजों वाले पौधों के साथ संकरण करा तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, वो होंगे संकर, या इस प्रकार कह सकते हैं कि गोल व पीले। प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे मैं गोल व पीले, गोल व पीले क्यों लिखा हमने इसका नाम, हमने भी एक चीज बताई थी कि जो प्रभावी लक्षण होगा उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। तो गोल हमने किसे माना, कैपिटल आर को, आर का मतलब राउंड और वाई का मतलब येलो, तो इसलिए गोल व पीले इसलिए रखा क्योंकि दोनों प्रभावी लक्षण है, दोनों प्रभावी लक्षण इसमें आ गए, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा हमने, गोल व पीले। तो जब प्रथम पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हुए उनका जब हमने आपस में स्वपरागण करा तो हमें निम्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, कैसे उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी 16 खानों वाली। ये एक 16 खानों वाली टेबल बनाएंगे आप लोग, गिनकर बनाने हैं पूरे 16। तो जो ये हम लक्षण प्राप्त हुए, हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे हमें चार हिस्सों में डिवाइड करना है, पहले कैपिटल लेंगे फिर स्मॉल लेंगे, पहले दोनों कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, पहले दोनों कैपिटल लिए हमने फिर एक बड़ा एक छोटा, इसी प्रकार इधर लेंगे पहले आर छोटा बड़ा वाई और फिर दोनों आर वाई और छोटे दोनों वाई भी छोटा और आर भी छोटा, इसी प्रकार इधर लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमें चार प्रकार के जो लक्षण प्राप्त हुए, इन चार प्रकार के लक्षणों को हम क्या करेंगे, इनका आपस में स्वपरागण कराएंगे। तो जब स्वपरागण कराएंगे तो इसका कराने का तरीका वैसे दो तरीके हैं इसके, चाहे तो आप फिर टेबल को ऐसे भर सकते हैं ऐसे, और चाहे आप इसे ऐसे भर सकते हैं सामने की तरह से। अगर आप इसे ऐसे भरेंगे ट्रांसवर्स भरेंगे तो आसान पड़ेगा, अगर आप इसे लॉन्गिट्यूडनल तरीके से भरेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका क्या करना है आपको, हमारा हमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान के चलो कि हमारे जो तीनों लक्षण है ये नहीं है इसमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई नहीं है, केवल ये है। तो इसका इसके साथ आपको क्या करना है, स्वपरागण कराना है, इसका इसके साथ करा के इस खाने में लिखना है, इसका इसी के साथ करा के यहाँ लिखना है, इसका इसी के साथ करा के इस खाने में लिखना है और इसी का इसी के साथ करा के यहाँ लिखना है। तो दोनों कैपिटल आर हैं, दोनों कैपिटल वाई हैं, उसके बाद कैपिटल आर है कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, उसके बाद कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई हैं, उसके बाद कैपिटल आर है स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। ये हमारा पहला खाना भर गया इस प्रकार से, यानी कि इसकी इसकी साथ इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है, इसकी क्रिया इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है, इसकी इसी के साथ क्रिया करा के यहाँ लिखनी है और इसी की इसके साथ क्रिया करा के यहाँ लिखनी है। उसी प्रकार से अब इसे छोड़ दो, ये है नहीं, मान के चलो कि ये है नहीं, तो इसकी क्रिया इसके साथ करा के इस खाने में लिखनी है, इसके साथ करा के इसमें लिखनी और इसकी इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है और इसके साथ करा के यहाँ लिखनी है। तो दोनों कैपिटल आर हैं, कैपिटल आर स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल
और दोनों स्मॉल वाई। उसी प्रकार से इस तीनों की इन चारों के साथ करा के इस खाने में लिखनी है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। अब क्या करना है आपको, जो चौथा बचा हमारा, चौथे को इस चारों से मिला के यहाँ लिखने हैं, तो कैपिटल आर है स्मॉल आर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनका नाम रखते हैं, नाम रखने का तरीका यह है, अगर एक भी कैपिटल आर है तो उसे क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे, एक भी कैपिटल वाई है तो उसे क्या लिखेंगे, पीला लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे, तो दो एक दोनों आर बड़े दोनों वाई छोटे हैं तो क्या लिखेंगे, गोल व पीले, गोल व पीले। उसके बाद ये भी गोल व पीले हो जाएगा, ये भी गोल व पीले, ये भी गोल और पीले। अगर एक भी आर बड़ा है तो गोल यानी कि राउंड, एक भी वाई बड़ा है तो पीले यानी कि येलो, गोल व पीले, गोल व हरे, गोल व पीले, गोल व हरे, गोल व पीले, गोल व पीले, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, और झुर्रीदार व हरे। तो इस प्रकार अब इन्हें अलग अलग लिखेंगे, इधर से रफ कर देता हूँ, चलो उधर ऊपर लिख दो इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, और झुर्रीदार और हरे। झुर्रीदार का मतलब मुरझाए हुए। अब इन्हें गिनेंगे, इंक नहीं है, है नहीं इंक नहीं, तो इसमें इन्हें काउंट करेंगे, जो गोल व पीले हैं कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो नौ तो हमारे गोल व पीले कितने हुए, नौ। उसके बाद हमारे क्या नंबर दो पे क्या है, गोल व हरे। अब गोल व हरे गिनेंगे, गोल व हरे एक दो तीन, तीन हैं गोल और हरे। उसके बाद झुर्रीदार व पीले काउंट करेंगे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार पीले एक दो तीन, तीन है हमारे झुर्रीदार और पीले, और झुर्रीदार और हरा है हमारा एक। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि हमारी कौन सी पीढ़ी है, इसे हमें दूसरी पीढ़ी लिख दो, दूसरी पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी या एफ टू जनरेशन,
यानी कि जो हमारी दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, 9:3:3:1 इस अनुपात में हमें प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो दो लक्षण हैं उनमें दो लक्षण, इसमें दो जोड़े जो हैं अलग अलग लक्षणों के लेते हैं, दो विपरीत जोड़ों के लक्षण लेते हैं, और इसमें जो एक लक्षण है वो एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षणों को प्रभावित नहीं करती है, यानी कि दोनों जो लक्षण हैं वो अलग अलग होते, स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो शुद्ध लंबे गोल, जो शुद्ध गोल बीज हैं हमारे, शुद्ध गोल और पीले, उनका हम क्या करते हैं, शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीजों के साथ आपस में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, उन्हें आपस में मिलाते हैं। तो क्या होगा, जो प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे बीज, वो गोल व पीले प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वही हमें प्राप्त होता है, उसी के आधार पर उसका हम नाम रखते हैं। तो कैपिटल आर हमने क्या माना था, गोल माना, तो कैपिटल आर है इसलिए हमने गोल इसका नाम रखा। कैपिटल वाई हमने क्या माना था, पीले माना था यानी येलो, तो इसलिए कैपिटल वाई इसके अंदर है, तो कैपिटल वाई को हमने क्या माना, पीले। तो जो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो गोल व पीले प्राप्त होंगे। तो जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधे, उनका फिर आपस में क्या कराते हैं, स्व परागण कराते हैं। फिर हम यहाँ कराते हैं इनका स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन। तो जब स्व परागण कराते हैं तो जो दूसरी पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त होंगे वो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे। तो ये टेबल आपको पक्की करनी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, और अक्सर वो पेपर में यही पूछता है कि मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम समझाइए, उसे रेखाचित्र द्वारा समझाइए। रेखाचित्र का मतलब है आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, अगर ये आपने टेबल बनाई तो आपके नंबर पूरे, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है 7 मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई, इसकी थ्योरी थ्योरी लिख दी, तो फिर आपको 1 या 2 नंबर मुश्किल से मिल पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों का जो पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि जो एक लक्षण है वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं, एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इसलिए हम इसका क्या नाम दे दिया उन्होंने, दूसरा, इसका दूसरा नाम दिया द्विसंकर संकरण। अब बात करते हैं इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अब हमने तीसरा नियम पढ़ा मंडल का, स्वतंत्र रूपी होने का नियम। अब बात करेंगे इसमें एक क्वेश्चन है, अंतर बताओ, समयुग्मजी व विषम युग्मजी में अंतर। देखिए समयुग्मजी और विषम युग्मजी, सम का मतलब समान और विषम का मतलब अलग अलग, यानी कि इसमें जो एक ही जीन के लक्षण हैं वो कैसे होंगे, समान प्रकार के होंगे। जो समयुग्मजी है, समयुग्मजी में एक ही जीन के जो लक्षण हैं, एक ही जीन के दोनों लक्षण समान होते हैं, और विषम युग्मजी में एक ही जीन के दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। इसमें एक जीन के दोनों लक्षण समान होते हैं, इसमें एक जीन के दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इसमें दो अलग अलग प्रकार के, इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें अलग अलग दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें स्वपरागण या अंतः प्रजनन, इसमें जो स्वपरागण होता है या अंतः विभाजन होने पर, अंतः विभाजन होने पर जो लक्षण होते हैं वो, अंतः विभाजन होने पर जो इनके द्वारा जो संतति होती है, इनके जो इनकी संतान होती है उसके जो लक्षण होते हैं, संतति में माता पिता के समान लक्षण होते हैं, माता पिता के समान लक्षण होते हैं। लेकिन इसमें स्वपरागण या अंतः विभाजन होने पर दोनों लक्षण कैसे होते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है।
एक अप्रभावी होता है, यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें एक ही जीन के दोनों लक्षण समान होते हैं, लेकिन विषम युग्म जी में एक ही जीन के दोनों लक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, किसमें समयुग्म जी में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें जब स्वपरागण होता है, किसमें समयुग्म जी में जब स्वपरागण या अंत विभाजन होता है, तो संतति में जो लक्षण आते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि समान जीवी भी होते हैं, समान जीवी भी कह सकते हैं इसे। हम क्या कह सकते हैं, समान जीवी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो संतति होती है, संतति में और माता पिता में लक्षण एक समान होते हैं, लेकिन इसमें दोनों लक्षण जो हैं, जब इसमें अंत विभाजन होगा या स्वपरागण होगा, तो इसमें जो लक्षण होंगे वो संतति में कैसे लक्षण होंगे, प्रभावी और अप्रभावी, दो विपर्यासी लक्षण होते हैं। तो ये इसमें जो अंतर बताओ क्वेश्चन था हमारा, उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है इसके अंतर्गत। वो है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं और जननी कोशिकाएं होती हैं, उन कायिक कोशिकाओं और जननी कोशिकाओं में क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र कह लो या 23 जोड़े कह लो। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो आप इसे कह सकते हैं कि 23 जोड़े या कह सकते हैं 46। तो इनमें से जो नर और मादा दोनों होते हैं, नर और मादा में, नर व मादा में जो 22 जोड़े होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 44 गुणसूत्र, वो होते हैं कैसे, समान। इन्हें क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र भी बोलते हैं, इन्हें समजात गुणसूत्र भी हम कह सकते हैं। इनका नाम दूसरा, समान गुणसूत्र कह लिया, समजात गुणसूत्र कह लो। तो उसके बाद इन्हें ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, ऑटोसोम्स। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ऑटोसोम्स भी बोलते हैं इन्हें। तो लेकिन ये 22 जोड़े तो हो गए एक समान, जो स्त्री और पुरुष है दोनों में 22 जोड़े तो होंगे एक समान, इसलिए हमने क्या बोला ना, समजात गुणसूत्र कह लो या ऑटोसोम्स कह लो। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो नर और मादा में, वो नर व मादा में अलग अलग होता है, नर व मादा में क्या होता है, अलग अलग होता है। इनमें से जो नर होता है, नर में जो नर होता है, नर में दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के, नर में दोनों अलग अलग प्रकार के, अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जो स्त्री होती है, स्त्री में समान प्रकार के, एक ही प्रकार के कह लिया, समान प्रकार के, एक ही प्रकार के है, खत्म हो गई। तो जो 23वां जोड़ा था, नर मादा में अलग अलग होता है। इनमें से जो नर और मादा होता है, नर में तो क्या होता है, दोनों गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई प्रकार के। लेकिन जो स्त्री होते हैं, स्त्री में एक ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं केवल एक्स एक्स प्रकार के। तो इस प्रकार इनमें जो एक्स गुणसूत्र होता है, ये होता है बड़ा, और जो वाई गुणसूत्र होता है, ये होता है कैसा हमारा, छोटा। तो अब इनकी वंशागति किस प्रकार होगी, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, इस प्रकार समझिए कि ये हम पुरुष स्त्री, जो पुरुष है उसमें कौन से कितने गुण, कौन कौन से गुणसूत्र हैं, एक्स वाई प्रकार के, और जो 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 स्त्री और पुरुष में दोनों जो अलग अलग गुणसूत्र होंगे, इन्हें बोलते हैं हिटेरोसोम्स या एलोसोम्स ही बोलते हैं। तो जो पुरुष है उसमें होंगे कैसे, किस प्रकार के, एक्स वाई प्रकार के, और जो स्त्री होगी उसमें कैसे होंगे, एक्स एक्स प्रकार के। तो जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तब क्या होता है, तब पुत्री पैदा होती है। तब क्या पैदा होंगी, पुत्री पैदा होंगी। उसके बाद जब यही एक्स गुणसूत्र फिर से दूसरे एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तो क्या होता है, तब भी क्या होता है, पुत्री ही पैदा होती है। लेकिन जब वाई गुणसूत्र इस एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है, तो क्या होता है, पुत्र पैदा होता है। फिर यही वाई गुणसूत्र जब दूसरे एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तब भी क्या होता है,
पुत्र ही पैदा होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब स्त्री और पुरुष में इनमें जो इनकी जो संतानें होंगी उनमें जो उनमें 50% तो पुत्र होने की संभावना होती है और 50% जो है वो पुत्री होने की संभावना होती है। ये केवल संभावना है, ये क्या है, केवल एक संभावना मात्र है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या है हमारा। इसे एक बार और समझ सकते हैं कि जो पुरुष या स्त्री होता है उनकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जननिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र तो स्त्री पुरुष में समान प्रकार के होते हैं, समजात गुणसूत्र या क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है स्त्री और पुरुष में। पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें दोनों अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स एक वाई प्रकार का। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है हमारा, बड़ा होता है। वाई गुणसूत्र कैसा होता है, छोटा होता है। लेकिन जो स्त्री होती है उसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्स एक्स प्रकार के। तो इनकी जो वंशागति है, इसे वंशागति को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लो पुरुष है, पुरुष में एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र हैं, स्त्री है, स्त्री में एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र हैं। तो जब इनकी वंशागति हमने कराई तो वंशागति में क्या प्राप्त हुआ, 50% पुत्र और 50% पुत्रियां होने की संभावना पाई गई। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारे आनुवंशिक और उपार्जित लक्षण। उपार्जित व आनुवंशिक लक्षण, देखो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक माता पिता से उनकी संतानों पहुंचते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। इनका जो स्थानांतरण होता है वो माता पिता से इनके बच्चे में होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक क्यों, क्योंकि ये दोनों लक्षण जो हैं माता पिता में और बच्चों में समान पाए जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, आनुवंशिक लक्षण। लेकिन जो उपार्जित लक्षण होते हैं ये जीव के जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं, क्या होते हैं, जीव के जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं। और इनकी एक बात हो रही है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, लेकिन जो हमारे उपार्जित लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, इसलिए ने क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मेंडल के तीन नियम बताए। पहला नियम बताया मेंडल का जो था, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा बताया पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा बताया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद मैंने समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको लिंग निर्धारण समझाया और उसके बाद मैंने आपको जो उपार्जित लक्षण है और जो आनुवंशिक लक्षण है इनमें क्या अंतर है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।